नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल। जैसा कि इस वक्त आप जानते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, दूसरी जगह पर फंसे प्रवासी मजदूर अपने घर ऐसे आएंगे, उनके लिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। अपने चैनल के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं, चाहे वो मुंबई में हो या फिर अलग अलग स्टेट में, मैं लिस्ट दिखाऊंगा काफी स्टेट का आपको आ गया है कि ऑनलाइन आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, आप इस जगह पर रहते हैं, बिहार हमें है, तो आप बिहार से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली वाला तो देखिए अपडेट नहीं है। अभी दिल्ली में कोई है तो अभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है। गोवा से कर सकता है, गुजरात से कर सकता है, हरियाणा से कर सकता है, हिमाचल प्रदेश से कर सकता है, ठीक है, आप झारखंड से कर सकता है, जम्मू एंड कश्मीर से कर सकता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब में, ये तमाम आप लिस्ट आप देख लीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आखिर अप्लाई कैसे होगा। जैसे मैं राजस्थान में काम करने आया था, मुझे बिहार जाना है, तो मैं इस राजस्थान वाले पर क्लिक करूंगा, ये ऑप्शन को, ठीक है, मैंने क्लिक किया, ये मेरे सामने पेज आ गया। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब होता है कि मैं राजस्थान से राजस्थान के अंदर जाना चाहता हूँ, आउटवर्ड्स का मतलब होता है कि मैं राजस्थान में हूँ, कहीं दूसरे स्टेट में जाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं राजस्थान में हूँ, मैं दिल्ली आना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान में हूँ, मैं बिहार जाना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान में हूँ, मुझे यूपी जाना है, तो हम कैसे करें। मैं आउटवर्ड्स पर क्लिक कर दिया, स्टेट में आप देख सकते हैं, मैं राजस्थान टाइप कर दिया, डिविजन में अजमेर टाइप कर दिया, यहाँ पर अलवर, यहाँ पर तहसील टाइप कर दूंगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, और आप यहाँ पर अपना आकर एड्रेस टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस टाइप कर दीजिएगा। फिर आपको जाना कहाँ है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे बिहार जाना है, तो बिहार मैंने टाइप कर दिया, बिहार में स्टेट मान लीजिए मैंने रोहतास या फिर कोई और शारदा डाल दिया, या फिर मेरा जो एड्रेस है मैं वो डाल दिया, ठीक है, जहां पर मैं रहता हूँ। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि मेरा नाम है, कौन हूँ, मैं वो सारा टाइप कर सकते हैं, ठीक है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका एज कितना है, अगर मुझे लगा कि नहीं एक और मेरे साथ कोई फ्रेंड है तो उसको भी ऐड कर लो, फिर उसका नाम यहाँ पर टाइप करें, ठीक है, और यहाँ पर उसका मेल जो भी है, एज उसका टाइप करें, फिर मोबाइल नंबर, आप उसमें मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे चीजें निकल के सामने आ रही है, मोबाइल नंबर भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट है, ऑनवर्ड पासपोर्ट अवेलेबल है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो, इस तरह से आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। चलिए एक दूसरा हम एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करते हैं कि और क्या हो सकता है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ आपके सामने, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। चलिए मैं हिमाचल प्रदेश का, मैं बिहार से काम करने आया था, मैं सोच रहा था कि हिमाचल प्रदेश में मैं कैसे फॉर्म अप्लाई करूँ, तो देखिए ये लिंक है हिमाचल प्रदेश का, मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर फर्स्ट आपको आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ ठीक है, विद इन डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, ठीक है, गोइंग आउट ऑफ हिमाचल भी, आप जैसे आउट ऑफ हिमाचल जाना है तो चलिए आउट ऑफ हिमाचल के यहाँ देख लेते हैं किस स्टेट में आप रहते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस यानी जहाँ आपको जाना है वो, अगर चलिए मुझे बिहार जाना है तो यहाँ पर मैं बिहार में बक्सर जाना है, तो ये सारा प्लेस मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिलास, ठीक है, तो प्लेस ऑफ फॉर्म भी हम कर सकते हैं, तो आप पूरा ये कंप्लीट कर लीजिएगा, जो बार बार मैं बता रहा हूँ गोइंग टू आउट ऑफ हिमाचल, अगर हिमाचल से आपको बाहर जाना है बिहार में, तो यही ऑप्शन आपको क्लिक करना है, और इस तरह से पूरा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एंट्री डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं, पॉइंट तहसील इस सारा कुछ आप कर सकते हैं, नेम ऑफ सिंगल पर्सन है, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ डाल के आप, इसके बाद पास कैटेगरी, सब पास कैटेगरीज, व्हीकल्स अगर है तो ई पास, टाइम उसका मेंशन कर लीजिएगा, जैसे जैसे देखिए इसमें व्हीकल्स टाइप, ये सब कुछ आप एडिशनल पर्सनल इस तरह से आप करके यहाँ पर डिक्लेरेशन में ये नंबर भर दीजिएगा, आप नंबर जैसे 5920 ये कैप्चा है, ये बार बार चेंज होते रहता है, तो जो उस समय आपके स्क्रीन पर देखेगा वही। अब यहाँ पर आके आपको कह रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप, यस क्लिक कर दीजिएगा ये सब, और यहाँ पर भी आर यू ट्रेवलिंग आउट ऑफ कोविड-19 कंटेनिंग और अंडर होम इंस्ट्रक्शंस, इसको भी यस करके, दोनों पे यस यस करके इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। तो यही कुछ था कि आप इससे अगर अप्लाई करते हैं तो आप आराम से घर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
और एक चीज है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखिए सारे लिस्ट स्टेट बाई स्टेट है, स्टेट बाई स्टेट है। आप सब चाहें तो इस पर क्लिक करके, और इसका जो लिंक आप सोच रहे हैं कि पेज कैसे आएगा, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके, आप जिस स्टेट में रहते हैं, आप जहां जाना चाहते हैं, इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एसटीजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।